कितने लोगों की यहाँ शादी हो चुकी है, हाथ खड़ा कर। That was the biggest unknown risk that you took. रंजीत जी ने मेरे को पहले बोला यू विल बी द फर्स्ट स्पीकर, तो मैंने अपनी स्पीच प्रिपेयर की। अब पता चला कि मैं बिल्कुल आखिर में हूँ। अभी क्या हुआ कि जो मैंने कहना था वो सबने कह दिया, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है। प्रबिता जी ने बोला कि हम अपने वी आर आवर ओन बॉस। जब मैं एजेंट को रिक्रूट करता हूँ तो कहते हैं कि यू आर योर ओन बॉस, यू कैन राइट योर ओन पेज है। बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वी डू नॉट नो हाउ टू हैंडल आर इंडिपेंडेंस। अब आपकी नौकरी मिलती है ना, तो आपका बॉस बोलता है 8 बजे दफ्तर पहुंच जाओ, तो आप मलूर से 6 बजे घर से निकलेंगे 8 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए। अभी आप अपने ओन बॉस हो गए, तो हम 8 बजे उठेंगे घर से, 9 बजे काम पे जाएंगे, 10 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे क्लाइंट को मिलेंगे, आज मूड नहीं है। तो ये ओन बॉस की जो इंडिपेंडेंस है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। बी केयरफुल, इट्स अ टू एज सॉर्ड, बी केयरफुल हाउ यू मैनेज दैट इंडिपेंडेंस। उसको गलत तरीके से नहीं लेना, नहीं तो आप हम सब फेल हो जाएंगे। हम रोज़ लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट, सब लोग बनाते हैं टू डू लिस्ट, आज ये करना, आज ये करना। नेक्स्ट लिस्ट बनाए नॉट टू डू लिस्ट, कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। हम सारा दिन बहुत कुछ करते रहते हैं, जैसे अभी मिस्टर प्रदीप ने बताया कि वी हैव टू डेलीगेट, देर आर मेनी थिंग्स दैट वी शुड नॉट बी डूइंग, दोज थिंग्स शुड बी डेलीगेटेड टू समवन। सो एवरी डे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी विल नॉट डू। मैं टेलीफोन, हाउ मेनी ऑफ यू मेक कोल्ड कॉल्स, अभी भी आप कोल्ड कॉल करती हैं? और कितने कोल्ड कॉल करते हैं? मज़ा आता है कोल्ड कॉल करने में? रिजेक्शन में मज़ा आता है? मज़ा आता है। मेरे को 50 साल हो गए, मेरे को अभी भी आई हेट रिजेक्शन। क्लाइंट बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा थोड़ी लगता है। कोल्ड कॉल इज अ गॉड्स वे ऑफ पनिशिंग यू फॉर नॉट टेकिंग रेफरेंसेस। अरे आप बिजनेस में हैं, आप क्यों कोल्ड कॉल करते हो? मेरे को रिजेक्शन नहीं पसंद है। आप 100 कॉल करोगे फिर एक आदमी बोलता है, 99 rejections, why should I do? आप references लीजिए क्लाइंट से, no more cold calls। अगर आप बिजनेस में आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल हो गया, तो कोल्ड कॉल आपको नहीं करनी चाहिए। मैं मिस्टर मनचंदा से मिला, मिस्टर सूरज से मिला, किधर है वो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे थे। कितनी उम्र हो गई आपकी? 64। आपकी मिस्टर 67। हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, यस और नो? डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट? मनी शुड डन, हाँ हाँ, एंजॉय द मनी। 1994 एम्बेसडर कार वॉज पुट इन टू रिटायरमेंट, 1995 दे पुट Padmani, Premier Padmani into retirement. It was being put out of use. Why should your clients retire? How many of you are planning to retire? So then why are you telling your clients you should retire? Financial independence at old age. Freedom 365. He should be financially free for 365 days. He should not retire. When you retire a person, a retired person becomes a consumer. A retired person becomes a consumer if you are active, you are contributing to the economy. आपने रिटायर किया, अगर आप डिक्शनरी में यूज उसका मतलब देखेंगे तो इट सेज टू बी पुट आउट ऑफ यूज एट 6। ओके, सॉरी, नो गारंटी नो वारंटी। माय ग्रैंडफादर वाज ओल्ड एट 55। 55 की एज में हो गए तो कहते बेटा अब तो हमारी जिंदगी पूरी हो गई, थोड़े दिन बचे हैं,
65 माई फादर रिटायर्ड एंड द सेम कॉन्वर्सेशन, बेटा आप थोड़े दिन बचे हैं, आफ्टर फ्यू ईयर्स ही डाइड, योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल गो डाउन आफ्टर रिटायरमेंट. आई एम 73, आई एम यंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्लो डाउन. So don't tell your clients, Mr. Prospect, what do you plan to do after you retire? What do you plan to do after you retire? You're planning to die. You lose your credibility. Your family does not respect you because now you're retired, you're not contributing. We should prepare our clients ki jab bhi aap old age ho jayegi to aap financially independent hona chahiye. Aapko bachchon ke se paise nahi mangne chahiye. दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, आप उनको खर्ची दें. सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रन, बट वी शुड नॉट टेल आवर क्लाइंट्स टू रिटायर. आई हैव नो प्लान्स ऑफ रिटायरिंग. आप रिटायर करेंगे? आर यू प्लानिंग टू रिटायर? व्हाई शुड योर क्लाइंट्स रिटायर? एजुकेट देम, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट डोंट रिटायर. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.